नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है बड़ी खबरों का। केरल में पिछले 24 घंटों में मिले 35,801 नए मामले, 68 मरीजों की मौत। 36 करोड़ भारतीयों को मार्च सन 2022 तक लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। 3.5 लाख कोविशील्ड की खेप लेकर मुंबई से लखनऊ पहुंचा विमान। सपा MP आजम खान की तबीयत बिगड़ी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में शिफ्ट करने की तैयारी। लखनऊ बैकुंठधाम में नई तकनीकी से शुरू हुआ हरित शवदाग्रह, सुरक्षित होगा पर्यावरण। राजधानी लखनऊ पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज, सोमवार से तेज होगा टीकाकरण अभियान। PWD अभियंता का कोरोना से लखनऊ में निधन, कुछ दिन पहले ही पत्नी बेटी भी हुई थी संक्रमित। लखनऊ में लॉकडाउन के बीच फिर बढ़े कोरोना केस, JCP बोले बिना मास्क दिखे ग्राहक तो दुकानदार पर होगा एक्शन। मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वाला बिजनेसमैन का बेटा गिरफ्तार। यूपी का पहला आयुष संस्थान CRIUM लखनऊ, जहां अब होगा कोविड का इलाज। खबरें विस्तार से। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 35,801 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही इसी अवधि में राज्य में 29,318 लोग ठीक हुए और 68 की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,23,514 हो गई है। इसके अलावा 14,72,951 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 5,814 लोगों की जान जा चुकी है। 1 मई को भारत को पहली खेप में स्पुतनिक वी की 15 लाख डोज मिल चुकी है। दूसरी खेप भी जल्द ही आने वाली है। 3 माह में आने वाली डोज की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को 1,80,00,000 डोज मिल जाएगी। 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज की खेप लखनऊ पहुंची। मुंबई लखनऊ एयर इंडिया की फ्लाइट से अमौसी एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी सरकार की तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर के साथ एडवांस पेमेंट किए गए थे। शनिवार को पहुंची कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज की पहली खेप। उत्तर प्रदेश में रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई है। आजम खान की रिपोर्ट बीते 1 मई को कोरोना पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी आजम खान को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस और स्कॉर्ट तैयार है। मौके पर SSP, SDM सदर सहित CO सिटी जिला कारागार वहां पर मौजूद है। लखनऊ के बैकुंठ धाम में नई तकनीकी का हरित शवदाह गृह बनाया गया है। इसमें लकड़ी की बहुत ही कम खपत होगी। भट्टी की तरह बनने वाले इस शवदाह में महज 1 कुंतल लकड़ी में दाह संस्कार संपन्न हो जाएगा। इससे न सिर्फ लगभग 85% लकड़ी की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित हो सकेगा, साथ ही समय भी बहुत कम लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल सीएम योगी की मंशा है कि प्रदेश में जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। इसके लिए योगी सरकार निरंतर कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद से ही सीएम योगी ने सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। इसके साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर के साथ एडवांस पेमेंट भी किया। यूपी सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के बीच शनिवार को सामने आए संक्रमितों के आंकड़ों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बढ़ रहे मामलों पर सख्ती का रुख अपनाते हुए कहा कि दुकानों को बिना मास्क के ग्राहकों के होने की शिकायत मिलने पर ग्राहक के साथ दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अब मरीजों की सुविधा में प्रयोग आने वाले मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वाले गैंग भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को लखनऊ पुलिस की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर समेत अन्य मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में मेडिकल उपकरण बरामद किए गए। यूपी का पहला आयुष संस्थान CRIUM लखनऊ COVID-19 ट्रीटमेंट, कोविड की लड़ाई में केंद्र सरकार ने यूपी को भी शामिल किया है। यूपी का पहला आयुष संस्थान जहां अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने देश भर में चुने
15 संस्थानों की लिस्ट में लखनऊ के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को भी शामिल किया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव की ओर से चिट्ठी जारी की गई थी। शनिवार को इस संबंध में ऑनलाइन बैठक भी हुई।